हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून को लेकर विरोध के स्वर लगातार मुखर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही। आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया तो कई स्थानों पर हंगामे के मंजर देखने को मिले। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं बैरिकेड्स तोड़े गए, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और खासतौर से कांग्रेस आमने सामने है। कुल जमा ये मुद्दा इस वक्त खासा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और यही है हमारा आज का विशेष कानून, किसान और कोहराम। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर का, जहां किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ और पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। मामला लाठी चार्ज तक भी पहुंच गया। साथ ही इसके अब राजनीति भी शुरू हो गई है। किसानों के आंदोलन पर प्रियंका गांधी और केजरीवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है, पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से। और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने दो तीन दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। वही बंगाल में लेफ्ट यूनियंस ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नए लेबर लॉ का विरोध किया। कोलकाता नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया और नारेबाजी की। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर लॉ के खिलाफ है, साथ ही किसानों के पक्ष में भी है। वहीं देश भर के कई राज्यों में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। चलिए आखिर समझते हैं क्यों हो रहा है कृषि कानून का विरोध। इस कानून को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रथा को खत्म कर देगा, फिर मूल्य निर्धारण का काम किसान और व्यापारियों के बीच रह जाएगा। MSP धान और गेहूं के लिए प्रभावी है, जबकि ये अन्य फसलों के लिए केवल प्रतीकात्मक है। हालांकि केंद्र सरकार इन सब से इनकार कर रही है, विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र के कृषि कानून के विरोध में विधानसभा में नए कृषि कानून बनाने की भी बात कही है। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में क्या राजनीति हो रही है, या फिर किसानों के लिए ये कानून नई मुसीबत बनेगा या मुनाफे का सौदा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। और आइए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका बहुत स्वागत फिरोज जी। ब्रजगोपाल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं और सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है कि या तो सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही, या किसानों की बात समझ में नहीं आ रही, या विपक्ष जो समझाना चाह रहा है वो सरकार समझना नहीं चाहती, क्या है पूरा मामला? और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है किसानों के जो लिए जो ये कानून बनाया है उसको लेकर सरकार का कहना है कि ये मुनाफे का सौदा है, किसानों की स्थिति अच्छी होगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, और वहीं विपक्ष का कहना है और किसान संगठनों का कहना है कि ये किसान कानून जो लाया गया है किसानों के लिए वो किसानों के लिए ठीक नहीं है, इससे जो है बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा मिलेगा, किसानों को नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पूरा विस्तार से पहले एक बताना चाहूंगा कि इसके मामले में भ्रांतियां बहुत फैलाई जी। 3 कृषि कानून देश में बताए, 3 कानूनों में से पहला कौन सा कानून है? कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2000। इस विधेयक में किसान को स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपना माल राज्य की मंडी में या राज्य के बाहर किसी मंडी में बेच सकता है। दूसरी उसको सुविधा दी गई है कि किसी भी तरह का सरकारों का ये शुल्क और जो टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है उसमें कमी की जाए
और जिसके कारण किसान को ज्यादा उपज का मूल्य मिल पाए। तीसरा काम ये किया गया था कि किसी भी तरह की जो इनाम है माने देश में वो कहीं भी बेच सकता है। दूसरा कानून आया था वो था कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अधिनियम 2020। किसान का सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण और उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को पाने के लिए ये तय किया गया कि किसान चाहे तो वह निर्यातकों से, प्रोसेसर से और जो उत्पादक हैं, मार्केटर है, उनसे सीधे अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बोनी के समय ही फसल का दाम तय कर ले, यानी इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके कारण किसान को बाजार की जो उथल पुथल होती है वह उसे प्रभावित ना करे कि यदि उसने कोई रेट अपने मन में ब्रजगोपाल जी जितने आसानी से जितने सरल शब्दों में आपने इस कानून के बारे में बताया, क्या इतना ही लोक लुभावन, इतना ही कृषि किसानों का हितैषी ये कानून है तो इसका फिर विरोध क्यों? क्योंकि बात जिस तरह से आप हमें समझा रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस विरोध कर रही है या जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी। क्या वजह है ऐसी कि उनको ये बात जो समझ में नहीं आ रही कि केंद्र का जो कानून है वो किसानों के हित में है? यदि ये बात समझ में आ गई होती तो ये बात इतनी बढ़ती भी नहीं, और अब तो उत्तर प्रदेश के किसान भी जो है कल लामबंद होने वाले हैं उन पंजाब के किसानों के साथ सुर मिलाकर के वो इसका विरोध करेंगे। जी मैं आपको फिर पंजाब के 2.5 करोड़ किसानों में से 10,000 या 5,000 लोगों को आप उस राज्य का किसान नहीं कह सकते हैं। ये वो है जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, ये वास्तव में कांग्रेस का आंदोलन है। ये कांग्रेस किसानों के नाम पर आंदोलन कर रही है और केवल इसलिए कर रही है कि कहीं ये ना हो कि किसान सशक्त हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि ये झूठ बोलकर जो लोग राजनीति करते रहे उनकी राजनीति पर ये तमाचा है ये कानून। और यदि दूसरी एक और बात आपको मैं बताऊं, क्यों ये केवल पंजाब में हुआ, क्यों केवल पंजाब में हुआ, और जब आंदोलन हुआ था तब आपको ध्यान होगा कि सैकड़ों की संख्या में नए ट्रैक्टर सीधे फैक्ट्री से वहां पहुंचे और उनने आंदोलन में भाग लिया। और आज भी मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का कोई किसान अन्नदाता ऐसा नहीं हो सकता जो अपना ट्रैक्टर पुल पर से फेंक दे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रैक्टर उसका साथी है। जितनी खेत में किसान मेहनत करता है उसका उतना ट्रैक्टर भी करता है। ये वो कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है। वही वामपंथी विचार, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं जो किसानों को बरगलाने में लगे और इस काम में लगे हैं कि कहीं किसान का हित ना हो जाए, नहीं तो ये राजनीतिक रोटियां। चलिए आपके पास लौटूंगा। फिरोज जी क्या कहेंगे, जैसा ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे हैं और मैंने भी सवाल उठाया कि आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो आधार होगा जो इसका विरोध किया जा रहा है, बिना किसी आधार के इतना जोर पकड़ जाए ये आंदोलन। अब पंजाब में जो आपने देखा, आप हमने सबने देखा कि किस तरह से ट्रेनें रोकी गई, कितना रोष है किसानों में, और अब तो उत्तर प्रदेश के किसान भी जो हैं अब इस आंदोलन को समर्थन देने की उन्होंने बात कही है, कल से वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो फिरोज जी क्या आधार है कि यदि सरकार जैसा कह रही है कि किसान खुश हो जाएगा, किसान की तकदीर बदल जाएगी, किसान की तस्वीर बदल जाएगी, देश का किसान जो है बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएगा, कांग्रेस जो है इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर आगे ला रही है और उसी वो नहीं चाहती, जैसा भी ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे थे कि किसान जो है वो सशक्त हो, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को गलती करने के बाद भी समझ नहीं आती। ये बात इन्होंने जब मंदसौर में किसानों के साथ बूतकांड हुआ था, जो आंदोलन देश में हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कह रही थी, ये किसान नहीं है, ये लोग तो दूध फैला रहे हैं, ऐसा किसान होता ही जो दूध फैलाए, कांग्रेस का आंदोलन है, और भारतीय जनता पार्टी संवाद नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि गोली चालन हुआ और उसके बाद ये आंदोलन उग्र हो गया आगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर की गलती दोहरा, किसानों से बात करने की जगह उनके ऊपर चट्टाने उनके रास्ते, सीधी सीधी किसान एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम कानून है, इन तीन कानूनों में आप एक एमएसपी की गारंटी जो है वो जोड़ दीजिए, ये किसानों की मांग है सीधी सीधी। अगर इतनी सी, अगर भारतीय जनता पार्टी नियत साफ, किसानों को वो समर्थन
मूल्य देना चाहती है तो एक लाइन जो कोई नहीं है। अब बस आपने नहीं की तो 22-23 कृषि मंत्रालय के किसान संगठन उनसे आपने चर्चा की कि नहीं, आपने राज्यसभा में संशोधन दिया, माननीय सदस्यों ने खुद आजाद विपक्ष की नेता उन्होंने संशोधन दिया तो आपने जैसे तैसे उदम करा गुरु के उसको पारित करा ली। अगर आप एक जोड़ देते हैं आपकी मंशा सरकार के साथ को एमएसपी की तो एक लाइन जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, अभी सब किसान वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता को नहीं करके दमन का रास्ता अपना रही है, साथ में संवाद का रास्ता भी नहीं बना रहा है। आज भी देखिए नरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं गृह कृषि मंत्री कि मैंने 3 दिसंबर को बुलाया है, आंदोलन आज है। आज अगर नरेंद्र सिंह जी स्वयं जाएं और जाके जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह रोके हैं, किसान नेताओं को बुला लिया जाए और चर्चा की जाए। आप गिरफ्तार कर रही है पुलिस, जगह जगह नजरबंद कर रहे हैं किसान नेताओं को, मेधा पाटकर जी को आगरा के पास रोक रखा है उन्होंने जो मध्य प्रदेश के किसानों को लेके जा रही है। तो अगर आप इस तरीके का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आंदोलन उग्र होगा, आंदोलन और बढ़ता जाएगा और किसान मान नहीं रहे। किसानों ने तो सारी बाधाएं अपने हाथ से हटा दी है, पुलिस के भी बस का नहीं है लाखों किसानों को रोक पाना। इसलिए संवाद का रास्ता अपनाइए, किसानों की मांग जायज है कि एमएसपी मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए राजी है और किसानों की इस बात का समर्थन करती है कि समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। चलिए फिरोज जी आपके पास भी लौटूंगा, ब्रजगोपाल जी आपके पास भी लौटूंगा, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत, और आपने यदि सुना हो ब्रजगोपाल लोया जी को और फिरोज सिद्दीकी साहब को तो दोनों का ही अपने अपने मत हैं। ब्रजगोपाल लोया जी का ये कहना है कि सरकार ने जो भी कृषि कानून लेके आया है वो किसानों के हित में है, किसानों की तरक्की के लिए है, किसानों की दशा बदलने के लिए है। और फिरोज सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कि संवाद नहीं कर रही सरकार, एमएसपी के मुद्दे पर किसान अड़े हुए हैं, यदि वो शॉर्ट आउट हो जाए मामला तो किसानों को कोई एतराज़ नहीं है और सिर्फ सरकार जो है भरमाने का काम कर रही है किसानों को। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी, सुन रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, नहीं मैं सुन रहा हूँ जी जी। किसान कानून को लेकर जो बात है जी जी, कृषि संबंधी दो विधेयक आए हैं और तीसरा है स्टॉक लिमिट को लेकर, है ना। तो इसमें ये केंद्र सरकार ने जो भी प्रावधान किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उससे पहले जब वो कानून ला रही थी तो किसानों को ऐसा लगता है कि कानून आने के करीब 30 दिन बाद भी या 50 दिन हो गए हैं करीब करीब जी, उसके बाद भी किसानों को सरकार समझाने में विफल रही है। और जब कानून बन रहे थे उससे पहले भी सभी स्टेक होल्डर से बात नहीं की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसीलिए गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, मुझे ऐसा लगता है। धर्मेंद्र जी लेकिन एक बात है, यदि इतने दिन हो गए हैं इस कानून को आए हुए और तमाम बातें जैसा आपने कहा कि किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि क्या वजह रही कि किसानों तक ये बात पहुंचाने में विफल रही सरकार। और अब चूंकि ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है, किसानों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, ऐसी स्थिति में भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही कि किसानों को या किसान संगठनों को या विपक्षी जो जिस तरह का ये मुद्दा बना रहे हैं उन्हें समझाने का कोई जतन कर रही हो। जी इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जब कृषि विधेयक आया, कृषि कानून आए, तब उसमें सबसे पहले पंजाब और हरियाणा से विरोध शुरू हुआ। पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां से समर्थन मूल्य पर अगर उनकी जितनी भी 100% अगर उपज होती है तो 90% के करीब फसल पूरी एमएसपी पर जाती है। एमएसपी पर उनकी खरीदी होने के कारण उनको ये लग रहा है कि जो नए कृषि कानून आए हैं उसमें एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात है कि किसान अभी मंडियों में अनाज बेचता है जी, तो दूसरा ये लगता है कि वो मंडियों में अनाज बेचने के कारण अब ये मंडी ही अब अप्रासंगिक हो जाएगी जी। तो इसलिए किसान ये विरोध कर रहे हैं। अब दूसरे राज्यों के किसान भी इसमें जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के, उसमें मुझे लगता है ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है उसको लेकर किसानों में अब स्थिति क्लियर हो रही है या वो अब भ्रमित हो रहे हैं। जो भी सरकार का स्टैंड भ्रमित का है, कांग्रेस का स्टैंड है कि उनको
किसान स्थिति को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसानों को बहुत सारी आशंकाएं हैं। हमने देखा पंजाब में आलू के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पेप्सी ने की थी, उसमें यह था कि किसान भी अपने खेत की उपज खुद के इस्तेमाल के लिए भी उपयोग नहीं कर पाएगा जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी बहुत सारी भ्रम की स्थिति है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि किसानों के बीच जाकर बात करना चाहिए, खासतौर पर एमएसपी के लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं कि किसान भारतीय किसान संघ वो खुद ये कह रहा है कि एमएसपी इसका कानून का हिस्सा बने जी। सरकार कहती है कि एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी या जो भी बीजेपी के और भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो जब भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूपीए के समय से दोगुना कर दिया एमएसपी। तो आधार एमएसपी ही है, तो एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई हिचक है। आप देखिए, हम जो भी उत्पाद खरीदते हैं उसमें मैक्सिमम प्राइस रहता है, लेकिन किसानों के लिए मिनिमम प्राइस है, पर वो मिनिमम प्राइस का भी कानूनी हक नहीं मिल पा रहा। अगर कानूनी हक मिल जाए तो मुझे लगता है कि किसानों के हित में होएगा और शायद ये आंदोलन भी बंद हो जाए। चलिए धर्मेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा। लोया जी क्या कहेंगे, जैसा धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, लेकिन एक बात और भी है कि आप अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि किसानों जो किसान है वो कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकता है, किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है, अपनी फसल जो है पहले ही वो जो है उसका सौदा कर सकता है। जहाँ योजनाएं नहीं पहुँच पाती किसानों के पास, सरकार की जो तमाम नई तकनीकें आज तक नहीं पहुँच पाई, कई ऐसे ज़्यादातर किसान हैं वहाँ पर, ये सब मार्केटिंग के जो तौर तरीके हैं वो कैसे समझेगा वो गरीब किसान लोया जी? और जैसा धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि एमएसपी का मुद्दा है, तो इस पर क्यों जो है एक अपना स्टैंड सरकार नहीं लेती है या आगे नहीं आती? कानून का यदि वो हिस्सा बन जाए तो कोई किसी बात का झगड़ा ही नहीं है जी। लोया जी, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मामला इसीलिए मैंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस जो है वो इसमें प्रमाणित होता है जी। एमएसपी सरकार ने लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ये कहा है कि इन तीनों कानूनों का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, और एमएसपी की जो व्यवस्था देश में लागू थी वह अभी निरंतर रहेगी। एक बात, दूसरी बात, जो लोग आज ये मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी कि कानून का हिस्सा बनाया जाए एमएसपी को, तो देश में 65 साल राज करने वाले लोग आज मांग क्यों कर रहे हैं? यदि वह किसान के लिए अपरिहार्य था तो आपने कानून क्यों नहीं बनाया? कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक बरगलाएंगे? देखिए मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करती है। एक भी आदमी ये नहीं कह पा रहा कि इन तीन कानूनों में एक भी कमी है या एक भी बात ऐसी है जो किसान के खिलाफ जा रही है। अब उसको क्या कहकर भड़काया जा रहा है कि इन कानूनों के मद्देनजर तुम्हारी एमएसपी खत्म होगी। और मैं फिर से कहता हूं, एमएसपी तो कांग्रेस हमेशा 50-60 रुपए ऐसे बढ़ाती रही। हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस एमएसपी को कहां तक ले गए, मूंग की एमएसपी 3 गुना तक बढ़ी है। तो हमारा जो कहना है, हम काम करने वाले लोग हैं और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। परंतु आप कृपया, इसका निवेदन करता हूं आपके माध्यम से किसानों से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, कृपया झूठ और छल कपट की राजनीति बंद करिए, किसानों का हित होने दीजिए। और एक बार और कहता हूं सरकार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कि एमएसपी प्रभावित नहीं होगी और रबी सीजन की एमएसपी भी बहुत जल्दी घोषित होने वाली है जी। तो लोया जी, सवाल यही है, विरोधाभास जो है, जो जिस गुस्से की वजह है किसानों की, वही तो बात शुरू से इस चर्चा में हम भी कर रहे हैं और कमोबेश यही बात कही। बात सिर्फ किसानों तक ये बात पहुंचती क्यों नहीं है? क्यों, यदि पहुंच गई होती ये बात जैसा आप कह रहे हैं तो शायद ये नौबत नहीं आती। लोया जी देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये एमएसपी की नौबत, ये क्या बात हुई? एमएसपी के लिए लोगों को भड़काया गया जब एमएसपी की चर्चा ही नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं, चलिए एमएसपी को कानून में दर्जा, कांग्रेस एक बात और कहूंगा आपको, ये वो लोग हैं जो चोर से कहते हैं कि चोरी कर ले और साहूकार से कहते हैं जागते रहना। आपको याद होगा जब राज्यसभा में मतदान हो रहा था तो ये लोग अपनी सीटों पर नहीं थे, संशोधन का कागज पकड़ाकर भाग गए थे। ये वो एक भी आदमी अपनी सीट पर नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हर आदमी को आवाज लगाकर कहा था आप कहां हैं, तो एक भी आदमी उपस्थित नहीं था। ये बहुत, चलिए लोया जी, चर्चा का समय हमारे पास बहुत कम बचा है, जो हमारे और मेहमान जो हैं
उनसे भी हम राय ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए 2014 से पहले आप पत्रकारों की बहुत पैनी नजर होती है खबरों पर जी। आपने सुना था फसल लागत मूल्य नाम की कोई चीज किसानों को कहीं मांग करते हुए सुना था? देश में मंडी एक्ट कौन लाया, एपीएमसी एक्ट कौन लाया? एपीएमसी एक्ट तो अंग्रेजों के जमाने का 1937 से बना हुआ है, लेकिन एपीएमसी एक्ट हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 1972 में पीसी सेठी जी की सरकार ने बनाया था, कांग्रेस की सरकार थी। तो हमारी मंडियों में पहले ये होता था कि मंडी का निजीकरण नहीं था। आज जो सरकारी मंडी है, जैसे उदयपुरा की इनकी मंडी है, हमारे अब्दुल्लागंज मंडी दीप की मंडी है, वहाँ अगर किसानों को तकलीफ होती है, कोई एमएसपी को लेके तकलीफ होती है या उनको उचित मूल्य नहीं मिलता, हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, एसडीएम साहब बुला के जो है सचिव को, मंडी सचिव को डांट डपट कर देते हैं, मामला सुलझ जाता है। लेकिन आज क्या है, आज सरकार ने ही अपने हाथ कटवा लिए, निजीकरण कर दिया मंडियों का, अब सरकार के ही कंट्रोल से खत्म हो गई। दूसरा एक्ट है आप स्टॉक लिमिट, अरे जब फसल आएगी तो ये जो काला बाजारी है ये अपनी फसल मार्केट में निकाल देंगे, उससे हमारे दाम कम गिर जाएंगे किसानों के और हमको वापस उठाना पड़े, हमको हमारी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो हम शोषित हुए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यही स्थिति है कि गुजरात में, पंजाब में, यूपी के कुछ हिस्सों में आलू और टमाटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई सब जगह। तो सरकार ने बिना बात किए जब ये कानून बना दिया। अब एमएसपी की बात करिए, अगर एमएसपी की हम बात कर रहे हैं तो एमएसपी की बात होनी चाहिए। अब इस कानून में ये भी प्रावधान है कि आप एसडीएम तक तो जा सकते हो, लेकिन सिविल न्यायालय में किसान नहीं जा सकता, इस देश की अदालत में किसान नहीं जा सकता अपने अपना हक मांगने। मतलब आपने ये क्या अंग्रेजों से मांग के लाए थे, अंग्रेजों की पर्ची मिल गई आप लोगों को कहीं, जो आपने ऐसा कानून बना दिया? अंग्रेज भी ऐसा कानून नहीं बना के गए क्या? किसान अगर अदालत में भी नहीं जा सकता, वास्तविक दिक्कतों को सरकार निराकरण नहीं कर पा रही है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे कि कांग्रेस ने एमएसपी का कानून नहीं बनाया। अरे भाई हमने नहीं बनाया, हम आज विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है जनता ने, किसानों ने, तो अब आप जाप कानून बना दीजिए, बोलिए आप बोल लीजिए, बोलना पड़ेगा मुझे। चलिए चलिए लोहिया जी बहुत 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 संक्षेप में आप जवाब देना चाहें दे दीजिए, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। संक्षेप में ये बड़ा झूठ है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उसका प्रावधान ये रखा गया है कि कृषि कृषकों के समूह बनेंगे, वही निराकरण करेंगे, क्योंकि हमारा किसान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ सकता, इसलिए कृषकों के समूह 10,000 बनेंगे और वो कृषक समूह अपने स्तर पर ही निराकरण करेंगे, ये कानून में तय किया गया। चलिए चलिए लोहिया जी अंतिम प्रतिक्रिया में धर्मेंद्र सिंह जी से लेना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, पूरे चर्चा का लब्बू लो आप जो है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुल जमा जो विरोधाभास है और बात वही समझ में कुल जमा कही जाए तो किसानों तक ये बात सरकार या तो पहुंचा नहीं पा रही है या पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही है, या फिर जो जैसा आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि किसानों को भड़काया जा रहा, कुल जमा दोनों ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दोनों ही सियासी दल हैं, ऐसे में नफा नुकसान जो भी है वो किसानों का होना है इस कानून से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे संक्षेप में? आप जवाब दो बातें हैं, नंबर एक तो ये कि अभी लोहिया जी ने कहा कि रबी का एमएसपी घोषित नहीं हुआ है, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने रबी सीजन की फसलों के लिए एमएसपी घोषित कर चुकी है, गेहूं का एमएसपी भी बढ़ाया है और भी फसलों का बढ़ाया गया है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेडलॉक अभी कुछ समय तक और जारी रहेगा, अगर सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देगी तो परेशानी आएगी जी। चलिए आने वाले कुछ समय में ये किसानों का आंदोलन और भी राज्यों में स्प्रेड होता हुआ हमको दिखाई देगा जी। कुछ तो है जिसकी वजह से इतना आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया और किसान इतने गुस्से में हैं, लेकिन अब सरकार किस तरह से अपनी बात उन तक पहुंचा पाती है, कितना किसान समझ पाते हैं, और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ये साफ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोहिया जी हमसे चर्चा के लिए, सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज जी और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कानून जो है जो बना है किसानों के लिए उसको लेकर इस वक्त बड़ी असमंजस की स्थिति है, किसान आंदोलित हैं और सरकार का जो है जवाब वो यही है कि किसान के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है वो उनके भले के लिए है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से ये जो नए 3 कृषि कानून बने हैं वो किसानों के लिए कितने हितकारी साबित होते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल प्रेजेंट्स द बिगेस्ट वर्चुअल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल विश्व रंग। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।